मौसम में अक्सर टावर्स कभी पहले तो उनकी तरफ से होता था और अक्सर हम लोग, फिर एक बार तो हाजी साहब वालों ने खुद अपना काफिला बना के खम्भे वम्बे सामान वामान उनके साथ ले गए थे डिप्टी कमिश्नर साहब को मालूम होगा, और बोलान में, और ख़ुद जाकर वो लेबर वेबर ले गए थे क्योंकि मुश्किल था वहाँ जाना। तो हम लोगों ने कई बार सीएम साहब के सरपरस्ती में चीफ वाबडा को बुलवाया ज़मींदारों की मौजूदगी में, बलूचिस्तान के सारे ज़मींदार, पश्तून बैट, बलूच बैट, और वो फिर वो अपनी बातें, अपना उनका सिलसिला होता है कि ये वो सारा सिलसिला तफसीलात वो बताते रहते हैं। और एग्रीकल्चर का ये है कि ज़मींदार बेचारा मजबूर है, टाइम बहुत कम होता है बिजली का, इसलिए मजबूरन वो एक ट्यूबवेल की जगह एक दो ट्यूबवेल का इजाफा कर देता है ताकि एक घंटा या चार घंटे में वो जो पानी ले तो दो तीन ट्यूबवेल करके वो ज़्यादा कर दे। तो इसी में ज़रा मुश्किलात पैदा हो गई। अभी पिछले दिनों भी जब बोलान नसीराबाद से मेरे ख्याल में मिठनी के करीब गिरे थे कुछ टावर बारिश और तेज़ हवा की वजह से, उसको मेरे ख्याल में बना लिया गया। कल फिर मैंने ज़मींदारों ने मुझको फ़ोन किया था, फिर मैंने चीफ वाबडा को फ़ोन किया कि भाई ये मसला हमारे कंडीकुची में फिर ये हुआ है, दो दिन से बिजली नहीं है। वो लोराडाई के करीब कोई बारखान बहुत तेज़ हवाएँ और नुकसान तो हुए, फिर एक टावर वहाँ पर गिर गया। तो उन्होंने कहा कि ये हम लोगों ने सेंट्रलाइज किया हुआ है सिस्टम सारा, यहाँ अगर गिर जाए भी उस तरफ के भी लोग मुतासर हो सकते हैं और यहाँ के भी वो मुतासर हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम कल 5-6 घंटे बिजली देंगे, बिजली दिया उन्होंने, लेकिन शायद वो डिम्पुल की वजह से कुछ लोगों की मशीनें जल गई, वो भी मुझको मालूम हुआ। आज फिर आप लोगों का प्रोग्राम था, नहीं तो आज हमारा मीटिंग का वो था इरादा था कि हम चीफ्स के साथ जाके वाबडा के साथ मीटिंग करके इस सिलसिले को ताकि जल्दी, क्योंकि मौसम यही गर्मी का मौसम होता है और इसी में ही पानी देने का और बिजली का वो सारा ज़रूरी होता है कि वो दिया जाए। बाकी मैंने अपने फंड से 3 फीडर दिए हैं इस इलाके में, क्योंकि वो फीडर एक था और लोड बहुत ज़्यादा होता था। इंशाल्लाह जुलाई के बाद वाबडा ये काम शुरू कर देंगे, तो ये फीडर जब 2-3 ज़्यादा हो जाएंगे, तकसीम हो जाएंगे, बिजली तो जितना है उतना होगा, लेकिन ये है कि लोड और उसका जो वोल्टेज और सिलसिला है वो सिस्टम अपनी तरफ से। लेकिन अभी हम इंशाल्लाह करीब कल या परसों फिर एक मीटिंग करेंगे, आप लोग के साथ भी रब्ता करेंगे, चीफ साहब वाबडा के साथ बैठ के सीएम साहब की जाए, ये बजट कुछ गड़बड़ चल रहा है बजट का खुद मालूम होगा, इंशाल्लाह 22 के बाद सिलसिला सारा सबूत होगा। तो हम सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा परसेंट हमारा एग्रीकल्चर पर ये निसार है लोगों का, हम सब का, बल्कि ये एग्रीकल्चर ये बजरिए रोज़गार है। तो इंशाल्लाह ताला से उम्मीद है, वाबडा का बड़ा मसला तो पूरे मुल्कगीर मसला है, इंशाल्लाह उसमें हम दोबारा सीएम के साथ, कल भी इसी बात पे जिक्र हुआ, वो फिर वो बुलाएँगे इंशाल्लाह, चीफ को बुलाएंगे और ये छोटे मोटे जो मसले हैं इंशाल्लाह उनको हल करने की कोशिश करेंगे। जून आएगा हम लोगों का ये हाल है, कभी टावर ही गिराते, अभी भी कुछ किया हुआ था।